मंगल पर जीवन की खोज भले ही अभी जारी हो, कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि लाल ग्रह पर इंसान जरूर बच्चे पैदा कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल पर स्पर्म 200 साल तक जीवित रह सकते हैं। एक्सपर्ट को अभी तक यह लगता था कि स्पेस के रेडिएशन से हमारा डीएनए खराब हो जाएगा, प्रजनन नामुमकिन रहेगा, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 6 साल तक चूहों का स्पर्म रखा रहने के बाद भी स्वस्थ पाया गया। 66 चूहों से लिए गए सैंपल को 2012 में 30 से ज्यादा गिलास एक्सक्यूज में रखा गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने सबसे बेहतर सैंपल से बच्चे को पैदा करने का फैसला किया। 4 अगस्त 2013 को 3 सैंपल को आईएस के जरिए लॉन्च किया गया और 3 को जापान के सुकुआ में वैसे ही कंडीशन में ये सैंपल रखे गए जिसमें कई रेडिएशन शामिल थे। पहला बॉक्स 19 मई 2014 को वापस लाया गया और सैंपल के एनालिसिस के बाद प्रोजेक्ट जारी रखा गया। दूसरा बॉक्स 11 मई 2016 को लाया गया और तीसरा 3 जून 2019 को लौटा। आरएनए सीक्वेंसिंग की मदद से देखा गया कि सैंपल में कितना रेडिएशन पहुंचा है। वैज्ञानिकों ने यह पाया कि आईएस ट्रिप से स्पर्म के न्यूक्लियस पर कोई फर्क नहीं होता। धरती पर रखे बॉक्स भी जापान की यामानासी यूनिवर्सिटी में पहुंच गए थे। ड्राई फ्रीज करके भेजे गए स्पर्म को रिहाइड्रेट किया गया और फिर फ्रेश ओवरी सेल्स में इंजेक्ट किया गया। प्रोफेसर साइका के मुताबिक जेनेटिक रूप से कई सामान्य बच्चे पैदा भी हुए, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं पाया गया। प्रोफेसर साइका ने इसे मानव सभ्यता के लिए अहम खोज बताया है। यह स्टडी साइंस एडवांसेस जर्नल में छापी गई है। थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। प्लीज गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। इसी तरह हम आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट से जुड़ी वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है गाइस। लव यू ऑल।